जी हाँ मेरे प्यारे साथी, अगर मैं फेसबुक को लेकर बात करूँ तो सारे के सारे क्रिएटर अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर हैं, क्योंकि यार जिसका भी क्राइटेरिया कंप्लीट था तो उसका सेटअप जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया फेसबुक की तरफ से। किसी का रिव्यू के अंदर ही पड़ा है तो किसी का फाइनली रिजेक्ट कर दिया है। तो भाई घबराना नहीं है सभी को। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन की वजह से जो था रिजेक्ट का कारण बन गया, और जिनका अभी सेटअप नहीं आया है तो वो भी ध्यान करके सुन ले इस वीडियो को, क्योंकि फेसबुक एक बहुत बड़ा अपडेट करने जा रही है और वो अपडेट क्या हो सकता है उसके बारे में भी थोड़ी आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मोनेटाइजेशन पेज के ऊपर चलेंगे, एंड देन स्क्रीन चल रही है इसको फॉलो करें और थोड़ा सा मुझे समझने की कोशिश भी करें। तो चलिए हम पहले जाते हैं अपने मोनेटाइजेशन पेज के ऊपर, और मोनेटाइजेशन पेज पे जाने के बाद में हम क्या करेंगे थोड़ा सा जो अपडेट है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर ये कुछ नज़र चीज़ें आ रही होंगी, और ये चीज़ें क्या हैं तो ये हैं आपके। देखिए जो भी अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो योर टूल्स के हिसाब से आपको यहाँ पर दिखेंगे। जैसे कि स्टार से मैं इस जो पेज है मेरा, ये प्रोफाइल है, इस पे एलिजिबल हूँ, लेकिन नॉट येट एलिजिबल। अभी तक आप किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो? एक तो एड्स ऑन इन के लिए एलिजिबल नहीं हो, बोनसेस के लिए, इन स्ट्रीम एड और सब्सक्रिप्शन। अब बात ये तो सही है, यहाँ तक तो आप सभी जानते हैं कि हम एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन अपडेट के बारे में बताओ कि अपडेट क्या आया है? क्या इन स्ट्रीम एड्स दोबारा से चालू होंगी या नहीं होंगी? क्या हो रहा है? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, फेसबुक पर जो जेनवनली चीज़ें हैं, अभी सपोज कीजिए आप भाई जेनवन वीडियो बना के अपलोड करते थे, आपके चैनल पे या पेज पर वो वीडियो नहीं चल पाती थी। अभी क्या होता था, उसको दूसरे क्रिएटर डाउनलोड करके थोड़ा एडिट वेडिट वगैरह किया और आपकी वीडियो से बहुत सारा रिवेन्यू छाप देते थे। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा जो फेसबुक है वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गया है और एक बहुत बड़ा अपडेट कर रहा है, मतलब एक पूरा जेनवन चीज़ें लेके आ रहा है आपके सामने। मतलब सीधी सी बात है, फेसबुक कंटेंट पॉलिसी लेके आ रहा है, आपका ओरिजिनल कंटेंट के साथ आप अर्न करने का मौका दे रहा है आपको। ऐसा नहीं है कि अब कुछ भी डालो उससे अर्निंग होने लगेगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है अब। और थोड़ा सा अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए भाई साहब, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इन स्ट्रीम एड्स सबसे बड़ा जो मसला है वो इसी के ऊपर चल रहा है। एंड थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर अभी क्या लिखा है, 0-0 लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर 0-0-0, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं आया है, कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है जिससे इन स्ट्रीम से हमें ये पता पड़ सके कि अर्निंग होगी भी या नहीं। एंड देन आपके यहाँ पर देखो लोगो वगैरह में भी चेंजेस दिखने को मिला है आपको, ठीक है। अभी लोगो के नीचे सब में क्या है, लॉक बटन दिख रहा है, ठीक है, सब में लॉक बटन दिख रहा है टोटल ओवरऑल। और मैं थोड़ा सा अब इन स्ट्रीम ऐड को खोलता हूँ। अब इन स्ट्रीम में तो खोलने के जस्ट बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल किया, और स्क्रॉल करने के बाद में अभी फिलहाल के लिए देखो ये तीन चीज़ें बस अभी यहाँ पर दिख रही होंगी। और किसी का आई एम इंटरेस्टेड लिखा आ रहा है ना, अभी इसको कुछ नहीं छेड़ना है भाई, अभी किसी को कुछ नहीं छेड़ना है जब तक पूरा अपडेट नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि इन स्ट्रीम एड्स के लिए अभी कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं दिया गया है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि इस बार जैसे कि अपडेट हुआ है तो सबको इन स्ट्रीम ऐड, चाहे किसी का एक फॉलोवर भी है उसको भी इन स्ट्रीम ऐड्स दिया जाए? तो देखिए 1% चांस भी ऐसा मुझको नहीं लगता। ये अभी फिलहाल के लिए, जैसे कि आपको पता है कि फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी लेके आ रहे हैं, तो अभी बस ये डिसाइड करना बाकी है कि आपके कंटेंट के अनुसार सारे ऑप्शन खोल दिए जाएंगे या कंटेंट का अलग रखेंगे, बोनसेस अलग रखेंगे या एड्स ऑन रील अलग रखेंगे, ये देखना अभी हमारे जहन में बाकी है। सबसे पहले थोड़ा सा एक बार और मैं बैक हो जाता हूँ, तो बैक होने के बाद में यहाँ पर देखिए अभी क्या लिखा आ रहा है ये और देख लीजिए आप। देखिए इन स्ट्रीम एड्स के पास में क्या लिखा आ रहा है, अर्न मनी फ्रॉम द फेसबुक, ठीक है, फॉर योर वेल परफॉर्मिंग एलिजिबल कॉन्टेंट। सबसे बड़ा नोटिस आप यहाँ पर ये देख लीजिए, इन्होंने बोला है एलिजिबल कॉन्टेंट, वेल परफॉर्मिंग, ठीक है, वेल परफॉर्मिंग एलिजिबल कॉन्टेंट, आपका कंटेंट जो है वो एलिजिबल होना चाहिए। एंड अभी 0-0 क्यों लिखा रहा है, अभी कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर डिसाइड नहीं किया गया है। जैसे आपका पुराना क्राइटेरिया था 5,000 फॉलोवर, 60,000
आपकी वॉचिंग टाइम या वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें पिछली बार दी गई थी तो वो सब हटा दी गई हैं यहाँ से। और दूसरी बात, अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो नई जुड़ जाएंगी। शायद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज़रूरी ही नहीं कि इन स्ट्रीम एड्स के अंदर ही नई चीज़ें जोड़ी जाएँ, आपकी एड्स ऑन रील के अंदर भी नई चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, आपकी बोनसिस के अंदर भी, आपकी सब्सक्रिप्शन किसी भी चीज़ के अंदर कुछ भी नया जोड़ा जा सकता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर लॉक का बटन, लॉक का बटन, लॉक का बटन, सब जगह यहाँ पर लॉक का बटन है, यानी अपडेट आना भी बाकी है। तो आपको भाई वेट करना है, कोई ज़्यादा बड़ी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर किसी का सेटअप बटन आ भी रखा है ना, तो भाई गलती से भी अभी सेटअप बटन पर क्लिक करके कुछ आगे का एक्स्ट्रा प्रोसेस मत करना बिना अभी फेसबुक के अपडेट आए हुए। पहले अपडेट को आने दो, और अपडेट आते ही जैसे जैसे चीज़ें होंगी हम आपको वीडियो के थ्रू बताएंगे। इसीलिए भाई चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी अपडेट आती है फेसबुक से रिलेटेड वो मैं आपको एकदम बेस्ट से बेस्ट करके बताने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।